टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा के उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने 5 साल पहले जनता से रेल सेवा लाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन अब अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए वे 3 महीने पहले प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार पर सारा दोष डाल रहे हैं। जौनपुरिया का कहना है कि प्रदेश की सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही और इसी के चलते ये प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को चुनौती के सवाल पर जौनपुरिया ने कहा कि पायलट उनके लिए कोई चुनौती नहीं, विधानसभा चुनाव में मेरे समाज ने मुझे पायलट के खिलाफ प्रचार करने से रोका था और गुर्जर समाज ने कांग्रेस को जमकर वोट भी दिए थे, लेकिन कांग्रेस ने गुर्जर समाज के साथ धोखा किया। इस दौरान जौनपुरिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना में, आप भी सुनिए क्या कुछ खास कहा। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज हम टोंक सवाई माधोपुर में हैं, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी हमारे साथ हैं। जौनपुरिया जी, सबसे पहला सवाल, आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, 5 साल आप सांसद रहे हैं, क्या जनता से जो 2014 में वादे किए थे, किन किन वादों पर फोकस किया गया, आज उन वादों पर जनता विश्वास व्यक्त करें? देखिये, मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से जिले के अंदर में हमने करीब ये सारी सड़कें जो बनाई है, करीब 3500 करोड़ रुपए के लोकसभा क्षेत्र में हमने सड़कें बनाई हैं, जो अब तक कंप्लीट होकर हमने पब्लिक को समर्पित कर दी हैं। जो हमारे को सौगात मिली थी, सारी सड़कें खड्डे में तब्दील थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो पचेरों से लेकर छाण तक की करीब 350 करोड़ रुपये कम्प्लीट होकर सड़क बन गई है। अभी मैं कहूँ तो सोयला से लेकर डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, वहाँ तक ही कम्प्लीट हो चुकी है। अगर मैं आपसे जिक्र करूँ तो टोंक से लेकर सवाईमाधोपुर है, वो करीब 400 करोड़ रुपये रोड कम्प्लीट हो गई है। अगर मैं आपसे जिक्र करूँ तो कोथुन से लेकर लालसोट तक का, और लालसोट से लेकर गंगा का, ये सारे मेगा हैवी कंप्लीट हुए हैं। आप हम सबको जो स्वागत मिले, सारी सड़कें नहीं थी, टूटी हुई थी, और इन सड़कों का अब हमने नया निर्माण कराया है। अगर मैं उसके बाद भी करूँ, 20 रुपये का पानी टोंक के अंदर में, 20 रुपये का बांध बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन हमने 846 करोड़ रुपए खर्च करके आज 20 रुपये का पानी घर घर तक पहुंचाने का काम किया है और लगभग कंप्लीट हो चुका है। टोंक के अंदर में मैं आपसे जिक्र करूं तो 400 करोड़ रुपए का टोंक के अंदर में सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया करीब 80%, और 109 करोड़ रुपए का आपके यहाँ पर माधोपुर में हो गया, और 136 करोड़ रुपए का काम कंप्लीट आज हम गंगापुर में कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। 2014 में मोदी लहर चली थी, सभी दलों ने स्वीकार किया, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी, लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि जो 2014 में मोदी लहर चली थी अब उसकी हवा निकल चुकी है, कितना मोदी फैक्टर काम कर रहा है? मैं समझता हूँ मुझे 2014 से जो मैं गाँव में जा रहा हूँ, अब है कि कोई ऐसी जाति नहीं जिस जाति का यूथ खड़ा होकर ये बात कर रहा है सिर्फ मोदी चाहिए। आज हर आदमी बात क्वेश्चन कर रहा है, एक आम आदमी बोल रहा है क्या देश को कौन चला सकता है। अगर मेरे यहाँ सामने चुनौती है कांग्रेस के कैंडिडेट की, भाई चुनाव दो ही पार्टियों में चुनाव होना है, कांग्रेस या बीजेपी, मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि हर आदमी ये बात कह रहा है क्या देश को राहुल गांधी चला सकता है। कोई बड़ा 90 साल का बुजुर्ग भी है वो भी नहीं मानता, कोई 20 साल का यूथ है वो भी नहीं मानता, सबको एक ही धुन है। 2014 से ज़्यादा बड़ी आंधी 2019 में मैं मानता हूँ कि माननीय मोदी ने जो काम किए हैं और जो ये हुआ है उसको मानते हुए हर यूथ सिर्फ मोदी ही मोदी पुकार रहा है कि मोदी के दोबारा से प्रधानमंत्री बने और इस देश का मान सम्मान बढ़े, देश की सैनिकों का सम्मान बढ़े और देश की आन बान शान को सब आदमी मानता है, मोदी को ही वोट दे रहे हैं। तो ये थे टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया। लगातार पिछले जो वादे किए थे, बिजली, पानी, सड़क, तमाम वादों पर इन्होंने कार्य किया और इस बार भी जनता के साथ, जनता के सामने इन वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV।